हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आरबी कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ फुटिंग में स्टील कैसे दिया जाता है और किस तरह से दिया जाता है, उसका तरीका बताने वाले हैं दोस्तों इस वीडियोस में। दोस्तों, मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए नए वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, देख रहे हैं फुटिंग के लिए सरिया जो है कंप्लीट किया जा रहा है, उसमें उस साइज़ का छड़ को नाप लिया गया है। उसके बाद उसमें एल, दोनों साइड में एल लगाया जा रहा है। दोस्तों, इसमें देख रहे हैं आप लोग, शटरिंग ना लगाकर इसमें पहले से ही फुटिंग के साइज़ का, फुटिंग जिस साइज़ की है उसको जो है ब्रिक वर्क से शटरिंग के रूप में कर लिया गया है। अब इसके बाद इसमें जो है पीसी, दोस्तों बता देंगे हम, इसमें पीसीसी जो है पहले से हो चुकी है हमारी। तो पीसीसी हो जाने के बाद अब हम इसमें जो है थोड़ा मिट्टी आ गई थी या गंदगी जो भी थी उसको पानी डालकर ब्रश से साफ़ कर दे रहे हैं। दोस्तों, ये साफ़ कर देने से ये होता है, इसमें जो है कंक्रीट और पीसीसी जो होती है उसके बीच की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग, ये जो ये इसी कंक्रीट की ब्रिक टाइप से बना लिया गया है ताकि ये नीचे कवर के रूप में यूज किया जा रहा है, ताकि नीचे जो है पीसीसी के ऊपर हमारी स्टील नहीं टच करने पाए। अब इसको रखने के बाद हम लोग देख रहे हैं किस तरह से चारों कवर के रूप में पीसी जो है कंक्रीट की ब्लॉक को रख दिया गया है चारों कोनों पर। और इसके बाद जो है जो हमारा फुटिंग के लिए जाली बनाया गया है, दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, जाली किस तरह डबल जाली प्रिपेयर की गई है और इसके बाद इसको रखा जा रहा है। ये फुटिंग इसमें रख दिया गया है। जाली को रखने के बाद उसको सही किया जाता है ताकि इसमें जो कॉलम के लिए बार्स जो खड़ी की जाएंगी वो सेंटर में रहें, और उसी को सेंटर में रखने के लिए इसमें जो छड़ पहले से पीसीसी के समय डाली गई थी उन छड़ों को जो है इस फोटिंग जाल से बांधा जा रहा है। और इसके बाद इस पर जो है ये इस बॉटल को दोस्तों प्लम बॉब के रूप में यूज कर रहे हैं, जिसको साहुल कहते हैं उसके रूप में यूज किया जा रहा है यहाँ पर। दोस्तों, जो भी कमियाँ हैं उनको अभी से सही कर लिया जा रहा है ताकि बाद में फोटिंग या कॉलम के सेंटर में कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉलम का सेंटर जहाँ पर दिया गया है वो प्रॉपर वहीं पे बना रहे। दोस्तों, कास्ट हो जाने के बाद सेंटर अगर जो है कॉलम अपने सेंटर से हट जाता है तो उसे सेंटर में लाने में बहुत समस्या होती है। दोस्तों, देख रहे हैं इस स्टील को कैसे हम बांध दे रहे हैं ताकि जाल हमारा सरके ना इधर उधर। दोस्तों, ये देख रहे हैं हम लगभग जो है 1 मीटर की 4 बार्स को काट कर या कॉलम जहाँ से खड़ा करेंगे उसी सेंटर में लगा दे रहे हैं, और उस पे चारों तरह की छड़ियाँ दोनों तरफ एल लगाकर उस कॉलम में बांधा गया है। और इस एल लगी हुई छड़ियों में जो है उस जाली से इसको अच्छी तरह से बाइंडिंग वायर से टाइट कर लिया जाता है ताकि ये कॉलम जो सेंटर से हटने ना पाए। दोस्तों, आप लोग देख लिए हैं किस तरह से हम अपने फुटिंग को तैयार करने के लिए फुटिंग में किस तरह की जो है जाली का प्रयोग करते हैं या किस तरह से जाली को बैठाया जाता है। दोस्त
चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कंक्रीटिंग के बारे में दोस्तों।